जय माता दी भाई सबको। ना खूबसूरत है ना, मतलब देखिए क्या गजब हो गया है, क्या गजब हो गया है। बादल भवन के ऊपर से जाते हुए बॉस, पीछे के पहाड़ देख रहे हो, पहुंच गए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा, एक और श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। और पीछे का देखो क्या माहौल है, एक नंबर का। और सामने अर्धकुंवारी मंदिर जो है बादलों से पूरा एकदम ढका हुआ है अच्छे से। तो जो यहाँ पे ऐसा मौसम है तो ऊपर जाके कितना गजब होगा, मतलब मजा आने वाला है पूरी की पूरी यात्रा में। लेकिन शुरू से शुरू करते हैं, दिल्ली से कटरा ट्रेन जर्नी आपको दिखाते हैं। जम्मू मेल में हमने ये वाली ट्रेन जर्नी की ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो भाई अपनी ट्रेन जो है वो लग गई है बिल्कुल ऑन टाइम सही से, 1:40:33 और 8:05 पे यहाँ से निकलना है। जय माता दी, जय माता दी। चलिए सर शुरू करते हैं। तो जम्मू मेल का जो स्लीपर क्लास है उसकी टिकट है हमारे पास। नॉर्मल में अगर टिकट की प्राइस की बात करो ना, थोड़ा टाइम पहले अगर इसको बुक कर लेते हैं तो 365 रुपए की टिकट आपको मिल जाती है। लेकिन हमने तत्काल कोटे से बुक किया जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा 100 रुपए करीब आपको महंगी पड़ती है। तो लो भाई 8:05 का टाइम था और 8:15 पे निकल रही है। देखो इस भाई को चढ़ना था गाड़ी में, मतलब कि 10 मिनट लेट निकली है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। भाई अभी पहुंच गए हैं उधमपुर। वैसे 8:35 का जो टाइम है ना वो है इसका कटरा पहुंचने का, लेकिन अभी बज गए हैं 9:09 उधमपुर पहुंची है। मतलब कह लो कि करीब करीब 25 से 30 मिनट जो है गाड़ी वो लेट चल रही है। अब आगे अगर बात करें तो उधमपुर से लेके जो कटरा तक का रास्ता है वो तो अमेजिंग है। आप देखना, मतलब मजा आ जाएगा सिर्फ रास्ता देख के ही, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। भाई साहब देखो क्या ऊंचे ऊंचे व्यू आ रहे हैं गजब के। ये है ब्रिज और इस वाले रोड का, इस वाले जो ट्रैक है ना ट्रेन का जो रास्ता है, इसका सबसे मस्त पार्ट यही है कि जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, पूरा बादल है ऊपर तो तगड़ा सा। वो है सामने वाला अर्धकुंवारी मंदिर, अर्धकुंवारी मंदिर ये ट्रैक जा रहा है ना रास्ते का, ये ट्रैक जाएगा ऊपर और वो वहां पे बादलों में है। चलो भाई पहुंच गए कटरा रेलवे स्टेशन। माता दी भाई साहब यात्रा मंगल में हो आपकी, कैसा रहा सफर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। चलो मिलते हैं, जय माता दी ऊपर। ये है भाई स्लीपर क्लास के मजे, अब आराम से इंटरेक्ट करते हुए आओ, घूमो फिरो बातें करो, फायदे भी होते हैं अपने ही। जय माता दी, जय माता दी भाई सबको, जय माता दी। प्लेटफॉर्म चेंज करके अगले पे जाते हैं, वहां से होंगे बढ़िया वाले दर्शन। और ट्रेन यहाँ पे पहुंची है 9:40 पे, यानी करीब एक घंटा लेट, 9:41 हो गए हैं। जम्मू मेल को अलविदा करते हैं और बाहर चलते हैं, दर्शन करते हैं। ये है भाई साहब देखो पीछे श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। और आप अगर इधर देखें तो देखो स्टेशन का क्या व्यू है, सामने का व्यू तो आप देख ही पा रहे हैं क्या गजब है। ये रहा अर्धकुंवारी मंदिर श्री माता वैष्णो देवी का। यहाँ से जो बस स्टैंड है ना वो सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। अब देखो 1.5 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम पैदल ही जा रहे हैं। मतलब एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आगे यात्रा पैदल ही करनी है। अगर वहाँ इतना चलना है यात्रा पे तो समझो यात्रा यहीं से शुरू करते हैं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। ये रोड है भाई जो आया है उधर से रेलवे स्टेशन की तरफ से, और ये जो सामने वाला है ये जा रहा है भूमि का मंदिर यानी हंसाली गांव की तरफ। ये है फुवारा चौक यानी बाबा श्रीधर चौक, ये हो गया। और ऊपर वहां पे
माता रानी के त्रिकुटा पर्वत पे नारद कुवारी मंदिर के दर्शन देख रहे हो। और फिर ये रोड इधर चला गया RFID कार्ड वाले बिल्डिंग के लिए जो है जहाँ से मिलता है, और यही है अंदर कटरा का निहारी का कॉम्प्लेक्स। 20 मिनट के आसपास लगे हैं टोटल हमें बस स्टैंड पहुंचने में, वहां से 1.5 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। आप चाहो तो आप आराम से आ सकते हो, और अगर दिक्कत है तो फिर टैक्सी है, ऑटो है, बहुत आपको मिल जाएंगे। जय माता दी दोस्तों, अभी हम हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में, और आपको अभी दिखाने वाले हैं और हम भी दर्शन करने वाले हैं भूमिका मंदिर हंसाली गांव में। माता वैष्णो देवी के जो बड़े भक्तों में जिनका नाम आता है वो है पंडित श्रीधर, जिनको यहाँ पे बाबा श्रीधर भी कहते हैं। तो पंडित श्रीधर के घर पे ही माता ने जो भंडारा करवाया था, आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि खुद माता आई जहाँ से भैरव बाबा ने उनका पीछा करना शुरू किया। ये वही जगह है जहाँ अभी बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं भूमिका मंदिर। 900 साल पुराना ये जो है ये मंदिर है, और यहीं पे ही जो है वो बाबा श्रीधर या पंडित श्रीधर जी जो हैं वो रहा करते थे अपनी पत्नी माँ सुलोचना के साथ में। वहाँ कुटिया आज भी है नीचे जहाँ मंदिर बना हुआ है, जिसमें माँ वैष्णो ने यहाँ पे कहते हैं कि भंडारा करवाया था, तो वो आपको दिखाते हैं, उसके दर्शन करवाते हैं। अगर आप श्री माता वैष्णो देवी कटरा में आए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर ही है खाली वहां से। जैसे जो फुहारा चौक है मेन, वहां से आप साइड से जो रोड जा रहा है बस उसके अंदर आपको आना है। 1 से 1.5 किलोमीटर आप चलेंगे सीधा, उसके बाद आपके सामने दो रस्ते आएंगे, एक नीचे की तरफ जाएगा एक ऊपर की तरफ। तो आपको ऊपर वाले रस्ते पे आ जाना है, और जरा सा ऊपर चलते ही आप इस जगह पे पहुंचेंगे जहां अभी बैठे हुए हैं। आपको सामने ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा, 900 वर्ष पुरानी भूमिका मंदिर। तो नीचे सीढ़ियां चलती हैं, तो नीचे सीढ़ियों से जाते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। और 900 साल पुरानी माँ की वो मूर्ति जिसकी पूजा पंडित श्रीधर जी क्या करते थे, आज भी वो इस मंदिर में है। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं अगर आप यहाँ पे आए तो, मतलब श्री माता वैष्णो देवी कटरा में अगर आए हैं तो आप भी यहाँ पे आके माता के दर्शन और उस मूर्ति के दर्शन, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। बड़ी अद्भुत सी शांति है यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। तो बस ये वाली थोड़ी सी सीढ़ियां हैं जो मंदिर तक नीचे जाती हैं। आप आराम से, मतलब मेन जो अपना बाबा श्रीधर चौक है, फुहारा चौक जिसको पहले बोलते थे, वहां से यहाँ तक है ना 25-30 मिनट में आप आराम से पहुंच सकते हैं। और फिर इन सीढ़ियों के रास्ते आप यहाँ पे आएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं। और बस ये थोड़ी सी सीढ़ियां हैं, ये वाला जो है ये है भूमिका मंदिर। ये है वो कुटिया जहाँ पे आज भूमिका मंदिर है। किसी जमाने में यहाँ से 900 साल पहले पंडित श्रीधर जी ने माँ का भंडारा करवाया था। ये है भाई वो प्राचीन मंदिर, देखिए भूमिका मंदिर बोलते हैं जिसको। यहीं पे श्री माँ वैष्णो देवी ने, यानी पंडित श्रीधर का जो घर था वो यही था, यहीं पे माँ वैष्णो ने भंडारा करवाया था। और अंदर जो आप मूर्ति देख पा रहे हैं, जो छोटे वाली मूर्ति है, ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा कहते हैं पंडित श्रीधर जी खुद क्या करते थे। चलिए दर्शन कर लेते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। अगर आप आए हुए हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा में तो आप यहाँ आके जाइए, बड़ी अद्भुत सी शांति है यहाँ पे। बाकी जगह वही है।
माता दी भाई सबको। यात्रा की शुरुआत करते हैं श्री माता वैष्णो देवी की। कटरा में हैं अभी, फवारा चौक पे खड़े हुए हैं, बाबा श्रीधर चौक पे। यात्रा शुरू करने से पहले जो सबसे पहला काम है वो है RFID कार्ड लेना। RFID कार्ड हमने ले लिया, ज्यादा देर का काम नहीं है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगी है RFID कार्ड लेने में। तो RFID कार्ड हमें मिल गया है, इसको पूरी यात्रा में आपको ऐसे पहन के रखना है। तो अब हम हो गए प्रॉपर तरीके से तैयार और चलते हैं। और यहाँ से भी है ना, ऑटो नहीं कर रहे, पैदल जा रहे हैं फवारा चौक से। आपको टाइम भी पता चल जाएगा ये कितना टाइम लगने वाला है। 12:21 हो गए और अभी यही है। रास्ते के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने लग गए थे, 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। और यहीं से थोड़ा नमक वगैरह डाल लेते हैं तो रास्ते में सही हो जाएगा, काफी देर चल जाएंगे। ये देखो, ये इस पॉइंट पे ना एक ही रास्ता ऊपर हो जाता है, ये नीचे वाला जो है वो जाएगा बाणगंगा की तरफ। जय माता दी, ले लिया भाई, ले लिया भाई। जय माता दी। अभी हुए हैं 12:51 और बिल्कुल आराम आराम से आए हैं। और सामने देखो फ्रिस्किंग पॉइंट यानी दर्शनी दरवाजा। जय माता दी। तो चलते हैं, एंट्री करते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है कम से कम। चलिए जय माता दी। ऊपर देखो कितना गजब का मौसम हो रहा है, बादल। और डंडा ले लिया भाई, इस जस यहाँ से गेट शुरू हो रहा है ना, वहां पे मिल गया 10 रुपए में। तेरा 10 रुपए का है, जिस मर्जी को दे के आना, हमें वापस भी नहीं चाहिए। और इतनी सी लाइन है अभी अंदर कुछ चेकिंग के लिए। ये हो गई जेंट्स वाली, उधर है लेडीज वाली। लेडीज वाली जो लाइन है ना वो तो खाली पड़ी हुई है, इधर भीड़ है। मगर एक बज के 5 मिनट पे एंट्री हो गई है अंदर। चलिए निकलते हैं। जय माता दी। मम्मी और भी पहले ही पहुंच गई हैं। जय माता दी। माँ सही है ना, दिक्कत तो नहीं हो रही, चले ना। जय माता दी, चले। चलो पार करते हैं और क्लॉक रूम यहाँ से शुरू हो जाते हैं। अगर आप सामान साथ में कुछ लेके आए और रख के जाना है तो यहाँ पे रख सकते हो, फिर बाणगंगा पे भी है वहां पे भी रख सकते हो। अब शुरू हो गई ये पूरी मार्केट से। और ये है पालकी और पिट्ठू की बुकिंग का काउंटर, जहाँ से आप प्रीपेड होता है ये सारे जो है घोड़े पिट्ठू पालकी जो भी है वो सब बुक कर सकते हैं यहाँ पे। ये प्रीपेड काउंटर है, मतलब यहाँ पहले पैसे दे दो और बुकिंग हो जाती है, यहाँ से ही आपको बिठा के ले जाते हैं अर्धकुंवारी तक और फिर उसके बाद भवन तक भी, जहाँ भी आपको जाना हो। लेकिन एक बात है, देखो अगर आप बुजुर्ग हो या बच्चे हो फिर तो समझ में आता है, लेकिन अच्छी खासी मतलब जवान अवस्था में भी जो लोग है ना वो इन घोड़ों का खच्चरों का बेचारों का यूज कर रहे हैं। इनकी बहुतों की हालत है ना बहुत खराब होती है, आप देखना आंखों में आंसू आ रहे होंगे, कईयों के ऐसे पैर नहीं टिक रहे हैं, जीभ ऐसे फंसी हुई है वो लोहे से के कांटे में। अगर मतलब मजबूरी है तो फिर तो समझ में आता है, लेकिन अगर चल सकते हो ना तो यात्रा करने आप आए हो, आपको ही चलना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन लोगों की तरफ से भी मतलब कम से कम घोड़े खच्चर जो है वो भी आपको दुआ देंगे। जय माता दी। यहाँ से चलते हैं जो पुराना रास्ता है। ये आ गया भाई बाथिंग घाट गीता मंदिर। वैसे मौसम तो जो है वो बढ़िया है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, पसीने आ गए उसकी वजह से इतना सा चलने पे ही। तो चलो यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर और बाणगंगा दिखाते हैं आपको। बाथिंग घाट नंबर 4 गीता मंदिर वाला है ये सबसे टॉप में है यहाँ का, यहाँ काफी मस्त है। देखो एक बार हम, देखो एकदम रुकते रुकाते आ रहे हैं एक तरीके से आराम आराम से। 1:34 पे हमने अंदर एंट्री की थी और 1:34 पे हम यहाँ घाट नंबर 4 गीता मंदिर बाणगंगा पे पहुंच गए। 30 मिनट लगे हैं कह लो यहाँ तक आने में। तो चलिए नहा तो लिए, थोड़ा सा हाथ पैर तो धो ही लेते हैं कम से कम। ये चप्पल निकाल देते हैं यहीं पे, अंदर लेके नहीं जाते हैं।
जय माता दी। ओ बॉस एकदम चिल्ड पानी है, चिल्ड। जय हो हनुमान गंगा। जय हो, जय हो, जय हो। तो भाई अभी हम खड़े हैं पवित्र बाणगंगा में, और बाणगंगा की अगर कहानी की बात करें ना, तो ये वही जगह है जहाँ पे जब भैरव बाबा माता के पीछे थे, तो माता जब त्रिकुटा पर्वत की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे आई हुई थी, उनके साथ में हनुमान जी थे। तो हनुमान जी को प्यास लगी, उन्होंने माता से पानी मांगा और कहते हैं कि माता ने बाण मार के पानी निकाला, तब से इस जगह का नाम है बाणगंगा। और यहीं पे फिर माता ने अपने बाल भी धोए, जिससे इसको बाल गंगा भी कहते हैं। और हमें मौका मिला है यहाँ पे दर्शन करने का। जय माता दी। तो भाई जैसा कि आपने देखा 1:35 पे हम यहाँ पे पहुंचे थे, और अभी हो गए हैं करीब 2:15 समझो, तो 40 मिनट हो गए यहाँ पे, 20 मिनट के करीब नीचे जहाँ पे पहले गए थे, 25 मिनट वहां पे, और 10-12-15 मिनट यहाँ पे। 40 मिनट कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। यहाँ प्रॉपर ये स्विमिंग पूल सा बना हुआ है, हालांकि पत्थर बहुत हैं, पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन ये ऐसे ज्यादा गहरा नहीं है, नीचे वाला थोड़ा ऊपर खापड़ था। तो चलिए हो गया, आगे शुरू करते हैं। 40 मिनट हमने करीब यहाँ निकाल दिए, 2:15 हो गए हैं अभी, और 2:15 पे हम निकल रहे हैं ऊपर अर्धकुंवारी के लिए। हेलो भाई, गीता मंदिर पहुंच गए हैं। जय माता दी। मैं सबसे पीछे लग गया। जय माता दी। तो पहले दर्शन करके आते हैं। जय माता दी। माँ ये देखो, ये है माता के चरणों के निशान। जय माता दी। तो भाई अभी आपने दर्शन किए इस खूबसूरत से मंदिर के, जिसको बोलते हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। कहते हैं कि जब भैरव बाबा माँ वैष्णो के पीछे आ रहे थे, तो यहाँ आके जब यो जो आपने अभी इस मंदिर में माँ के चरणों के निशान देखे, तो यहाँ पे आके माँ ने पीछे मुड़ के देखा, तो उनके जो चरणों के निशान थे वो यहाँ पे रह गए, इसलिए इस मंदिर का नाम है चरण पादुका। यहाँ पे माँ के चरणों की पूजा होती है, और सबसे पहले बाणगंगा के बाद यहीं पे लोग दर्शन करते हैं आगे। 2:53 हुए हैं अभी, और चरण पादुका हमने दर्शन कर लिए, अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। चरण पादुका से ना थोड़ा सा ऊपर चलते ही पहुंच गए व्यू पॉइंट पे, कटरा का व्यू दिखाता हूँ आपको, क्या शानदार व्यू मिलता है यहाँ से देखो। क्या व्यू आ रहा है। जय माता दी, 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 जय माता दी। 3:24 हो गए, बहुत देर हो गए चलते चलते, पसीना देख रहे हो। ये है एक व्यू पॉइंट, यहाँ बैठ रहे हैं। इसी वाले पॉइंट पे है ना 30-35 मिनट लग गई कम से कम, 4 बज गए और हल्की हल्की बारिश होने लग गई, तो जल्दी से अर्धकुंवारी मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि उसके बाद है ना फिर अपने को मेन भवन पे भी जाना है। तो आप सारा इसी वीडियो में देख पाओगे,
एंड तक देखते रहना, बस पूरी डिटेल मिल जाएगी इसी वीडियो से ही। अभी तक का जो पूरा रास्ता है ना वो ट्रैक से ही किया है। पहली बार अब चलते हैं सीढ़ियों से। क्या करना है सीढ़ियों से? चलें सीढ़ियों से, चलो चलते हैं। वैसे हर सीढ़ियों के पास है ना ये लिखा होता है कि वृद्ध यात्री और खासकर हृदय रोगी उनको यूज नहीं करनी चाहिए। और देखो बंदर भाई साहब कैसे बैठे हैं यहाँ पे, डरा दिया। देख रहे हो कितनी खड़ी हैं सीढ़ियाँ एकदम। लेकिन शॉर्टकट बहुत होता है इनमें, अच्छा सा वो काट देती हैं। देखो पूरे रास्ते में अभी कुछ नहीं हो रहा था, अब यहाँ है ना ये वेरका का वो एक स्टोर सा, तो यहाँ सोचा कुछ लस्सी या दूध ले लें, जब ही बरसने लग गया भाई साहब। आवाज देख रहे हो सेठ पे जो पानी पड़ रहा है, तो क्या खतरनाक आ रही है। खतरनाक का मतलब बढ़िया वाली, मजा आ गया। बारिश बुरी नहीं लग रही, सुबह से वेट कर रहा था मैं इसका। इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी हो रही थी ना हमें। इधर से देखो बहुत, और पत्थर भी गिर रहे हैं। एक तरफ तो देखो धूप निकली हुई है और दूसरी तरफ तेज बारिश हो गई है ना। कमल इधर धूप है और इधर बारिश है। देखो थोड़ी सी बारिश ने क्या हाल कर दिया सबका, आधे जादू हो गए हैं सारे, माता के जादू। और नीचे का व्यू देखो बस, सामने रेलवे स्टेशन कटरा का, और क्या नज़ारा आ रहा है। शायद इसी को बोलते होंगे बारिशों की छमछम में तेरे दर पे आए हैं। अभी तो अर्धकुंवारी मंदिर भी बचा हुआ है। एक बार फिर जा रहे हैं भाई सीढ़ियों से, और देखो अर्धकुंवारी मंदिर अब दिखा है। अब ये बारिश थोड़ी कम, अब ऐसे ये सीधी सीढ़ियाँ हैं इनसे ही चलते हैं। तो भाई नीचे का भी हो गया पूरा ख़त्म, और ये हम पहुंच गए वेटिंग हॉल के पास। सामने पहले दर्शन पूरे तरीके से अर्धकुंवारी मंदिर के। यहाँ पे भी बीच में ये अब दुकानें बन गई हैं, और देख रहे हो हाथी मत्था मार्ग का व्यू क्या शानदार है। धूप गर्मी बारिश सारी चीजें एक ही बार में देख ली, और बहुत टाइम लगा बारिश की वजह से। कई बार रुके बीच में ना, तो उसमें काफी टाइम लग गया। अभी हो गए हैं 5:37, और पीछे की रौनक से पता लगी गया हम पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी मंदिर। दर्शन करवाते हैं आपको पहले, फिर आगे का बताते हैं कि आगे का क्या प्रोग्राम है। जय माता दी। हमेशा की तरह वैसा ही गुलजार, एकदम मस्त। बारिश की वजह से बहुत टाइम लगा, लेकिन मजा आ गया। एक गर्भजून गुफा का रास्ता 545वां नंबर चल रहा है। अभी पर्ची वगैरह के लिए जाएंगे, और एक बार फिर जय माता दी पहुंच ही गए। आज बहुत जोर लग गया, लेकिन मजा आया। अमेजिंग। जय माता दी। माँ पहुंच गए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जोर लगे? नहीं लगे, जोर तो लगे थे। ठीक है, जय माता दी। कुछ ऐसा सा माहौल हो गया भाई, एकदम से देखो दोबारा से बादल आ गए, और काफी टाइम हो गया यहाँ पे रुके हुए। ये लगी हुई है गर्भजून गुफा के लिए पर्ची वाली लाइन, 24 घंटे के अंदर बता रहे हैं कि नंबर इस टाइम पे आ रहा है। और पर्ची लेने का ना नया तरीका हो गया कि जो आपके पास RFID कार्ड है ना, वो सारे जितने लोग हैं बस उनके RFID कार्ड आपको दिखाने हैं। जितने RFID कार्ड आपके पास होंगे उतने नंबर लिख के पर्ची में आपको मिल जाएंगे। काउंटर नंबर 2,
ये हो गया जी वेटिंग 24 आवर। भाई अर्धकुंवारी मंदिर पे घूम रहे हैं अभी और भाई साहब मिल गए एक और सब्सक्राइबर हैं हमारे। सब्सक्राइबर हो ना, कैसे हो? बढ़िया। कैसे रही आपकी यात्रा? एकदम अभी तक रात रही है। और मौसम कैसा लग रहा है? मौसम एकदम गड़बड़ हो गया भाई, पूरा भवन एकदम बादलों से घिरा हुआ है। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल भाई, बारिशों में ना लोग बोलते हैं कि आना नहीं चाहिए लेकिन मजा आता है, आना चाहिए। थोड़ा भीगते हैं लेकिन मजा आता है, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आता हो। नहीं भाई, चलो मिलते हैं सर। भाई से मुलाकात हो गई ऐसे चलते चलते। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है भाई, मिलते हैं। जय माता दी सर। बहुत अच्छा लगा पहली बार। कैसे हो सर? बहुत मजा आया। इधर आओ, बढ़िया रहा। ब्लॉग जी जी, कैसी रही आपकी यात्रा अभी तक की? बहुत अच्छी रही अभी तक की, आधी यात्रा हुई है आधी अभी बाकी है। अच्छा, आप कहाँ से हो? छिंदवाड़ा एमपी। एमपी से? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप भवन जा रहे हो? हाँ, भवन जाएंगे। अच्छा, मौसम कैसा लग रहा है? मौसम बहुत सुहाना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में खड़े हैं, है ना। मजा आ गया ना देख के। चलो बढ़िया हो गया, आगे भी दर्शन करो अच्छे से। जय माता दी भाई सबको, जय माता दी। गड़बड़ी हो गई थी, हमने एक रिकॉर्ड किया, भाई मिला और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं उनसे दोबारा उनको ढूंढ के मिला हूँ। कैसे हो भाई साहब? आपसे दोबारा मिला मैं, है कहाँ से हो एक बार नाम बताओ? तो दीपक भाई को मैंने दोबारा से ढूंढा है, इसलिए वो रिकॉर्डिंग ही गायब हो गई यार बीच से। कैसा लगा आपको माता रानी का सफर अभी तक का? ज्यादा भीड़ भी नहीं, नॉर्मली सारे दर्शन हो गए, रोपवे का भी मिल गया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है। मौसम भी अच्छा है और इनका नंबर आने वाला है, अभी 24 घंटे हुए हैं इनको पर्ची लिए हुए, इनका नंबर आने वाला है, तो ये माता रानी के जो गर्भजून गुफा है उसमें दर्शन के लिए जाने वाले हैं। बिल्कुल, अभी 545 चल रहा है हमारा, 558 है, मतलब अगले एक घंटे दो घंटे के अंदर इनका नंबर आ जाएगा और इनको गर्भजून गुफा के भी दर्शन हो जाएंगे। और ठीक है, बहुत हेल्प मिली, उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, नीचे कटरा में कैसे घूम सकते हैं, क्या क्या चीजें उनके बारे में बताया। थैंक यू यार, ये बड़े भाई का बड़प्पन है, मैंने कुछ खास नहीं बताया वैसे। चलो ठीक है सर, थैंक यू। 7:10 हो गए, यानी 1.5 घंटा हमें यहाँ पे लग गया, जिसमें हमने चाय पी, पर्ची ली और 2-3 भाई मिल गए थे YouTube के जरिए, और यहाँ जो मिले वो जानने वाले अभी जिनको आपने वीडियो में देखा। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं हिमकोटी वाले रास्ते से भवन पे दर्शन के लिए। आज रात के लिए जो डोरमेट्री है हमारा वो वहीं पे बुक है, वो आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे कि क्या सब आपको वहाँ पे और कैसे ले सकते हो आप ये। चलिए चलते हैं। तो अभी इस छोटी सी गुफा में से निकल रहे हैं जहाँ लोग शरण भी लेते हैं बारिश के टाइम पे। चलिए भवन पे चलते हैं और रास्ते में जो भी नज़ारे होंगे उनका आपको दर्शन करवाते हैं। जय माता दी। और रास्ते में भी लोग यहाँ पे जो अर्धकुंवारी पे रुके होते हैं ना दर्शन के लिए, वो यहाँ पे भी ऐसे बैठ के वेट करते हैं, मतलब जिन्होंने वेट करना है ऐसे कर सकते हैं। ये वाला जो है बिल्कुल सेफ है, यहाँ पानी भी कम आता है। और पीछे जो है हरी धर्मशाला और डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, जिनकी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप चाहे तो आप उनको भी देख सकते हैं। जय माता दी। 7:43 और मंत्रों उच्चारण हो रहा है ना, आरती हो रही है ऊपर, और पहुंच गए हैं सत्या भोजनालय। तो कुछ ऐसी ऐसी भीड़ है अभी यहाँ पे, हालांकि हम रुक नहीं रहे, ऊपर जा रहे हैं डोसा पॉइंट की तरफ, वहाँ पे जाके बैठेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। 7:12 पे ही चले थे अर्धकुंवारी मंदिर से और डोसा पॉइंट आने में लगा 1 घंटा। चलो कुछ चाय वगैरह पीते हैं, एक रेस्ट हो जाएगा और फिर आगे की यात्रा। 2.75 किलोमीटर ओनली। जय माता दी। ओ जी सर, भवन 2 किलोमीटर। जय माता दी। चलो भाई चलते चलते, टाइम तो बहुत लग गया, बार बार रुकना पड़ रहा है। 9:57 हो गए, पहली बार आज के लिए दर्शन हो रहे हैं भवन के।
आप लोग भी करो। जय माता दी, जय माता दी। भवन बस 1 किलोमीटर। चलो भाई पहुंच ही गए आखिर। ये हो गया हमारा रोपवे वाला पॉइंट। ये यहाँ पे ये तो बंद ही होता है रात में। यहाँ से एक बार दर्शन करो, एकदम बढ़िया चमक। और माता रानी के भवन पे और 10:23 अभी खाली, तो वहां से यहाँ तक पहुँचने में लगे, मतलब अर्धकुंवारी मंदिर से यहाँ तक पहुँचने में, और बहुत रुकते रुकाते आए हैं, यहाँ तक पहुँचने में लगे हमारे 3 घंटे 13 मिनट। और फिलहाल हम पहले जा रहे हैं डॉर्मेट्री में, क्योंकि हमारी डॉर्मेट्री ऑलरेडी बुक है मनोकामना भवन में। तो भाई रात के बजे हुए हैं 12 से भी ऊपर हो गया है, और पीछे का नज़ारा देख रहे हो, देखो 12:05, और ऐसा सा माहौल है, मतलब भक्तगण भी बहुत हैं, श्रद्धालु भी बहुत हैं, और सामने का नज़ारा आप देख सकते हो कितना गजब लग रहा है। जय माता दी यानी दुर्गा भवन एकदम परफेक्टली का मस्त लग रहा है, एकदम मैच हो गया पूरी के पूरे। तो भाई दर्शन करेंगे हम सुबह। अब ये आप नज़ारा देखो रात के 12 बजे, कितना खूबसूरत लग रहा है। और आपको भी सुबह ज्वाइन करते हैं, आप इसी वीडियो में देख पाएंगे, और बाकी सारी बची हुई डिटेल जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, कितना टाइम लगा, कैसा है, कैसा सफ़र रहेगा, वीडियो के एंड में वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इसमें शेयर करने वाले हैं। फिलहाल इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ छोड़ते हैं आपको, और मिलते हैं सुबह लेकिन आपको नेक्स्ट क्लिप में। जय माता दी, जय माता दी भाई सबको। सामने का नज़ारा आप देख ही पा रहे हो, अगली सुबह हो गई है और मौसम जो है वो इतना खूबसूरत है ना, मतलब देखिए क्या गजब हो गया है, क्या गजब हो गया है। और बादल भवन के ऊपर से जाते हुए बॉस, मतलब क्या सही टाइम पे कैमरा ऑन किया रिकॉर्डिंग के लिए, ये भी आप देख सकते हो सामने, अमेजिंग आ गए भर के पूरे तरीके से। ये बार बार हो रहा है अच्छे तरीके से, कभी धूप निकल जाती है, कभी फिर ऐसा हो जाता है, देखो ऊपर की साइड वहाँ पे धूप निकली हुई है, और यहाँ पे भी थी थोड़ी देर पहले, और अब ऐसा हो गया ये। तो दर्शन करने के लिए जाते हैं, अभी पहले प्रसाद लेके आते हैं, अपना सामान रख के आते हैं, और बाकी सारी डिटेल आपको आने के बाद शेयर करते हैं। एक बार आप नज़ारा देखो बस चारों तरफ का कैसा है, एकदम अमेजिंग और कमाल का व्यू, मतलब बस यही तो चाहिए, इसी को कह सकते हैं ना स्वर्ग। जय माता दी। तो चलो भाई पहले प्रसाद ले लेते हैं और फिर चलते हैं दर्शन करने। रोपवे के जस्ट सामने है ये आखिरी भेंट शॉप जो है यहाँ की, वो रोपवे के बिल्कुल सामने, प्रसाद ले लेते हैं पहले। सर एक ये विद नारियल वाली भेंट। थैंक यू सर। अगर आपने 50 लेने तो मैं चलिए, ये भाई 100 रुपए की है, अगर आपको विद नारियल चाहिए हो तो, और विदाउट नारियल जो है वो 50 रुपए वाली है। नारियल इसी है सर। थैंक यू, जय माता दी सर। तो ये है भाई पूरा प्रसाद, इसी के अंदर है नारियल भी और बाकी प्रसाद भी। अब 100 रुपए का इसका फिक्स प्राइस है, यहाँ पे किसी भी भेंट शॉप से ले सकते हो, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वालों की है ये वाली। चलिए दर्शन करने चलते हैं भाई, ये ताला चाबी इन्होंने हमें दे दिया है, सामान इसमें रख देते हैं फटाफट और दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि 30 मिनट लग गए ऑलरेडी हमें यहाँ तक पहुँचने में, सारा सामान इसी में बंद हो जाएगा अपना। तो लोकर मिल गया भाई, सामान रख दिया, और दर्शन करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, आप वेट करो हम जल्दी आते हैं। जय माता दी, जय माता दी भाई सबको। दर्शन हो गए अच्छे से और तिलक लग गया श्री माता वैष्णो देवी का, अभी आ गए हैं गुफा में से दर्शन करके, आगे की डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जय माता दी सबको। ये सारे लोकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, बस ताला चाबी यहाँ से लो,
सामान रखो और ऐसे ही खुला ताला हमें वहाँ पे ये जमा करवाना है। ताला जमा करवा के आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस को यूज कर सकते हो। जय माता दी भाई, सबको दर्शन हो गए हैं देखो अच्छे से, और एक बार आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत ज्यादा। थके तो नहीं? ना जड़े नहीं थकी, बहुत ज्यादा। कैसे बढ़िया हुए? अच्छा लगा ना? जुम्मा गणा नहीं है, नहीं है। कैसा लगा? दर्शन करके अच्छा लगा, बिल्कुल मन शांत हो गया। बढ़िया था। कितना टाइम लगा दर्शन करने में? 15 से 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। 20 मिनट का टाइम लगा दर्शन करने में। जय माता दी। कट रहा है ना सफर? घना कट रहा है और चढ़िया भी जा रहा है। घना कट रहा है मतलब ज्यादा कट रहा है। बीच बीच में ना थोड़ी हरियाणवी हो रही है मिक्स इस ब्लॉग में। मंदिर में आरती हो रही है तो मंदिर बंद है, और ये नीचे भी आरती हो रही है माँ वैष्णो के भवन में। ये देखो पुरानी गुफा, इधर होगी पुरानी गुफा और इधर भैरव बाबा मंदिर। जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है सनी कृष्ण वत्स और आप देख रहे हैं क्रिस्टल ब्लॉग्स। अभी मैं हूँ माँ वैष्णो देवी भवन कटरा में। हमारी जर्नी कटरा से लेकर माँ दुर्गा के, माँ वैष्णो के भवन तक हमने अच्छे से दर्शन कर लिए, दर्शन हमारे हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भैरव बाबा पे दर्शन करने के लिए। अभी हम खड़े हैं दुर्गा भवन में, इसकी डिटेल वीडियो हमने अलग से बनाई है, और ऊपर का आप देख सकते हैं ना पीछे दिखाई दे रहा है बादल, और मौसम इतना गजब का है कि मतलब यहाँ से ऐसा लग रहा है बड़ा कमाल का। एक बार आपको दिखाता हूँ साइड में कैसा माहौल हो रहा है भैरव बाबा की तरफ, पूरे बादल छाए हुए हैं और अभी अभी जस्ट यहाँ पे बारिश हुई है। बहुत अमेजिंग यहाँ पे होने वाला है अब जो यात्रा है आगे की, और पैदल करने वाले हैं, रोपवे नहीं लेंगे, पैदल जाएंगे भैरव बाबा तक, क्योंकि रोपवे पे बहुत बड़ी लाइन लगी होती है और वहां तक जाने में हमें 30-40 मिनट लगेगा। बिल्कुल टाइम बता के आपके साथ इस जर्नी को शेयर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पहले आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ चारों तरफ का, और फिर इस जर्नी को शुरू करते हैं भैरव बाबा तक की। टाइम भी दिखाएंगे आपको जैसे यहाँ से शुरू करेंगे कि हमें वहां तक पहुँचने में कितना टाइम लगा। जय माता दी सबको, बोल साचे दरबार की जय। ये है सामने का कमाल का व्यू, ये है भैरव बाबा वाले पहाड़ के ऊपर वो व्यू, और आप देख सकते हैं उधर रोप वे जो है वो दिखाई भी नहीं दे रही है ऊपर से, तो कुछ ये यहाँ पे चल रही है लेकिन अभी भी रोप वे लेकिन ना के बराबर ही दिख रही है, इतना बादल वहाँ पे एकदम छाया हुआ है मस्त वाला। और ये नीचे घाटी का व्यू और माँ भवानी के मंदिर का व्यू भी शानदार है। ये देखिए इधर से कमाल का व्यू है ना, उन्हीं बादलों में अब होने वाले हैं। देखिए रोप वे सामने से जा रही है, ये देखिए ये, लेकिन हम जाएंगे सीढ़ियों से ट्रैक से उन्हीं बादलों के बीच में से निकलते हुए। अमेजिंग जर्नी होगी। जय माता दी सबको। तो भाई अभी टाइम हो गया 5:22, एक घंटे से भी ज्यादा हो गया यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत खतरनाक वाले उसमें हो रही है रूप में। इतना पानी देखो बह रहा था, इतना पानी मतलब सब रुक गए थे, डर लग रहा था। लाइट भी चली गई ऊपर से सारी की सारी, यहाँ की ना बंदर घूम रहा है पीछे। अब थोड़ा कम हुआ है, माइक निकालना पड़ा, बैटरी ख़त्म हो गई, तो अगर आवाज़ कम आ रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक बार आपको भवन के दर्शन करवाते हैं और 5:22 पे यहाँ से निकलते हैं, बंदरों ने उधम मचा रखा है। जय माता दी, ऊपर तक पहुंचना और रास्ता देखना क्या कमाल का हो रहा है इस टाइम पे, खतरनाक भी हो रहा है मतलब अमेजिंग वाला खतरनाक। जय माता दी। ये अभी कुछ ऐसा माहौल, और देखो क्या खूबसूरत लग रहा है माता रानी का भवन ऐसे बारिश के बाद। जय माता दी सबको। ये दिख रहा है माता रानी का भवन, और ये मिल गया बोर्ड भैरव घाटी 2 किलोमीटर। बारिश हो रही है तो सीढ़ियाँ तो अभी ले नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भीग जाएंगे, इसलिए ट्रैक से चलते हैं। और 2 किलोमीटर का रास्ता है, देखते हैं कितनी देर में पैदल कर सकते हैं। अभी भी बहुत लोग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कम भी हो गई है बारिश, आगे जो होगा देखी जाएगी। जय माता दी सबको, जय माता दी। ये इसकी जो शुरुआत वाली चढ़ाई है ना, यही बहुत खतरनाक है, लेकिन करते हैं। जय माता दी। मम्मी जोर तो नहीं लग रहे, सही है। जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी। यहाँ आगे देखो दो रास्ते, एक ये जाएगा सांची सड़क पे सीधा और ये जाएगा भवन पे। और चढ़ाई देखो कैसी है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। हल्की बारिश कम होने दो फिर हम लोग जाएंगे सीढ़ियों से, फिर देखना क्या मजे आएंगे। जय बाबा की, जय माता की, जय माता की, जय माता की। और देखो बारिश हो गई ना के बराबर, हम ही सीढ़ियों से चढ़ लोगे हैं? पक्का ना, बहुत रास्ता कट जाएगा और व्यू भी मस्त दिखेगा, पक्का ना? पक्का। लेकिन लग रहे हो थके हुए। नहीं, चलो फिर। हाँ तो रुकते रुकते चलेंगे आराम आराम से। जय माता दी। ये है भाई, यहाँ से 358 सीढ़ियाँ हैं और इनमें जो व्यू मिलते हैं ना, अमेजिंग। ये है सीढ़ियों से चलने का मजा। अब सांस चढ़ दी अच्छे से, रास्ता कट जाते हैं। लेकिन पता नहीं हमें क्यों ट्रैक पे चलने में ज़्यादा जोर लगता है, इस पे कम। ये देखो ये इतनी सी सीढ़ियाँ आई हैं यहाँ पे, और अब व्यू देखना, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं। व्यू देखना, व्यू क्या आएगा देखो मामा। यस, यहाँ से जो व्यू आता है ना वो बहुत कमाल होता है एकदम। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जय माता दी। बेस्ट व्यू पॉइंट है इन तारों के नीचे, एकदम क्लियर। थोड़ा अभी ऊपर भीड़ है, थोड़ा वहां खड़े होंगे ना जस्ट तारों के नीचे, तो एक और अमेजिंग व्यू पॉइंट आएगा। देख रहे हो, ये जय माता दी, 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 जय माता दी। ये सीढ़ियां थका रही हैं सबको। यहाँ से दिखती है रोप वे एकदम परफेक्टली आती हुई, देखो भवन से रोप वे अभी सर के ऊपर से निकलेगी और एकदम मस्त लगती है यहाँ से। और भवन पे धूप पड़ रही है ना, जो उसके बाद जो व्यू आ रहा है ना व्हाइट कलर में, बहुत कमाल का है। ये जो सीढ़ियों का रास्ता है ना, ये बीच बीच में ट्रैक वाले रास्ते से मिलता रहता है, जहाँ से घोड़े खच्चर जाते हैं और इंसान भी जा सकते हैं। अभी वहाँ पे हुई हैं कुछ 360 सीढ़ियाँ ख़त्म, और फिर ये पहले 150 सीढ़ियाँ हैं, और देखो कुछ पैसे दिख रही हैं और ऊपर तक पता नहीं कितनी होंगी। चलते हैं, एक तरफ से धूप आ रही है और साथ में बारिश भी आ रही है। ये देखो, ओ ऊपर का नज़ारा देखो, यो शानदार। इतनी सारी कमियों के साथ साथ बस एक यही फायदा है सीढ़ियों का, है ना? बहुत फायदा है। तो हैं लेकिन व्यू देखो ना। नहीं, बहुत ज्यादा फायदा है। कट रहा है ना सफर, घना कट रहा है और चढ़िया भी जा रहा है। घना कट रहा है मतलब ज्यादा कट रहा है। ये बीच बीच में ना थोड़ी हरियाणवी हो रही है मिक्स इस ब्लॉग में। देखो क्या शानदार व्यू है, बस इनके लिए ही सीढ़ियों पे आना है। हाँ, तबीयत खराब हो, हृदय रोगी और वृद्ध को नहीं आना चाहिए, जोर लगता है। सीढ़ी माँ कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है ना है? सीढ़ी बहुत ज्यादा। इतना जल्दी जल्दी कैसे चल रहे हो सीढ़ियों पे? रोड घना कट गया बहुत ज्यादा सीढ़ियों से रास्ता, मतलब रास्ता जो है ना वो काफी कम हो गया, अभी कम हो गया, कट गया मतलब। सांस फूल रही है लेकिन इतनी नहीं मस्त व्यू, उसमें ज्यादा फूल रही थी, उसमें ज्यादा फूल रही थी, उसमें ज्यादा फूल रही थी। और ये देखो व्यूज, इसमें इतने नहीं। ये देखो व्यूज,
और क्या चाहिए। और यहाँ तो ये देखो बंदर भर भर के। थोड़ा रास्ता और काट लेते हैं, है ना। हाँ, थोड़ा रास्ता और काट ले। ये है वो सीढ़ियाँ जिनसे अभी ऊपर आए। ये शानदार वाले व्यू। इधर ये फिर आ गया, अभी इसमें ट्रैक और फिर इधर 107, फिर इधर सीढ़ियाँ। तो ऐसे ये चलते जाएंगी। ये 107 हैं और इस ट्रैक से आ सकते हो। हम यहीं से जाएंगे दोबारा। और वो आ रही रोप पे, मतलब पास में ही पहुंच गए हैं वैसे। ओ देखो, लेकिन एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं वैसे ये, लेकिन व्यू बहुत मस्त है, एकदम खुले। एक बार फिर से ट्रैक के ऊपर हैं। 75 सीढ़ियाँ हो रहे हैं। ये इनकी गिनती ऐसे कर रखी है, जितनी और भी ट्रैक बीच में से काट के जाता है उसको अलग कर देते हैं। अब जिन पे चल रहे हैं ये 75 हो रहे हैं और पहुंचने वाले हैं एकदम रोप वे काउंटर के पास, जहाँ तक मेन रोप वे आती है। ये देखो 262 सीढ़ियाँ और 262 लिखा है मेरे ख्याल से। तो हाँ सर, 262 है। नहीं, 262 के बाद ज़्यादा नहीं होंगी फिर, उसके बाद है ना 20-30 ही बची होंगी, लास्ट ही हैं ये। बस पहुँचे गए समझो। चले चलो हुदा शॉर्टकट। 6:13 हो गए भाई चलते चलते, आज टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये तो हिरन है ना। इधर से सूरज कितना तेज निकला हुआ है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी धूप है। रोप पे भी बंद हो गई है, ऊपर से कह रहे हैं टिकट कटने। और अपना 6 मिनट का रेस्ट हो गया और ऐसा लग रहा है कि सूरज बहुत पास में है यहाँ पे। हेलो भाई, रोप वे स्टेशन रास्ता बंद हो गया। हाँ नहीं, ये रास्ता है रोप वे के लिए, ये बंद हो गया। मतलब यहाँ के बाद तो सबको ही पैदल जाना पड़ता है ना। थोड़ा सा और रह गया बस। देखो इस रास्ते से आए हैं, इनका एक फायदा जस्ट मंदिर के पास एकदम सामने यहाँ पे। पहले प्रसाद लेके आते हैं, उधर से मिलेगा, फिर दर्शन करके आते हैं। एक ये बहुत पीछे पड़े हुए हैं यहाँ पे। ओह माय गॉड, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। ऊपर का नज़ारा क्या खतरनाक हो रहा है। अगर आप सीढ़ियों से आओगे तो ये वाला रास्ता है, और अगर रोपे से आओगे तो आप उस पॉइंट पे उतरोगे। यहाँ ये इनकी सरकारी भेंट शॉप है, ये रहा ना भेंट प्रसाद। ये आप चढ़ाने के लिए यहाँ से ले सकते हो, पीछे बाकी वो प्राइवेट दुकानें हैं। ये श्राइन बोर्ड का है खुद का, यहाँ पे टोकन और वहाँ से प्रसाद एक दे देना वैसा। पचास वाले तीन। ये भाई 50 रुपए का प्रसाद है श्राइन बोर्ड वालों का, यहाँ से मिलेगा। थैंक यू। हो गया जी प्रसाद। और यहाँ प्राइवेट है, यहाँ काफ़ी अलग अलग तरह का प्रसाद है। इनका ये फिक्स है, ऐसे ये मिल जाता है, ये खुद का श्राइन बोर्ड का है। उधर देखो व्यू पॉइंट जहाँ से माँ वैष्णो देवी का भवन दिखता है इधर, और ये इधर का व्यू, और ये भैरव बाबा का मंदिर। और लाइन अभी ज़्यादा है नहीं है तो पहले जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी, जय भैरव बाबा की। मंदिर बंद होने वाला है आरती के लिए बता रहे हैं, तो जल्दी जल्दी पहले दर्शन कर लेते हैं। और अच्छा अभी तो खुला हुआ है, चलो दर्शन करके आते हैं पहले। चलो चलो पाँव पकड़ लो।
हाँ ये धोना है, बहुत ही बाहर मिलेगी, यहाँ से नहीं उठाते, बाहर रख देते हैं, उसमें से लेनी होती है। मंदिर बंद होने से जस्ट पहले सिर्फ 5 मिनट लगे हैं दर्शन होने में, मतलब बढ़िया तरीके से एकदम हो गए सही, जैसे कि आपने देखा। जय भैरव बाबा की। अभी टाइम हो गया भाई 6:45 का, और देखो सामने लिखा हुआ है आरती का, सुबह का टाइम है 7 से 8 और इवनिंग का टाइम है 7 से 8, यानी इन दोनों समय में क्या होता है मंदिर बंद हो जाता है, मतलब दर्शन नहीं करने दिए जाते, रोक दिया जाता है इस वाले रास्ते को। और पता नहीं अभी कैसे, देखो हम 15 मिनट पहले दर्शन करके आए हैं, अभी पता नहीं एकदम से देखो कितनी भीड़ आ गई, जब खाली पड़ा हुआ था ये देखो एकदम से भीड़ से बंद होने का टाइम है, और इधर भी बहुत ज़्यादा बहुत भीड़ हो गई अब एकदम से। जय माता दी। देखो अभी समय हो गया 7:15 और एंट्री हो गई बंद, और इधर भीड़ लग गई, तो इधर का आपको दिखाते हैं नज़ारा, श्री माता वैष्णो देवी का भवन बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ से, और व्यू देखो अभी अभी जस्ट सनसेट हुआ है। चलो दर्शन करते हैं। कहाँ बैठेगा आप? कितने कॉल अब 7 बजे से लेके 8:15 तक यहाँ पे भीड़ ऐसे बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे से लोग आते जा रहे हैं और मंदिर में आरती हो रही है, तो मंदिर बंद है, और ये नीचे भी आरती हो रही है माँ वैष्णो के भवन में। ये देखो पुरानी गुफा, स्क्रीन में जो आरती चल रही है ना, ये नीचे वाली है, उसके भी दर्शन यहाँ पे कर सकते हैं, तो जो लोग इतनी देर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब। ये देखो इधर होगी पुरानी गुफा, और इधर भैरव बाबा मंदिर। जय माता दी। अभी टाइम हो गया भाई 7:25 का, तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, पुराने वाले रास्ते से जाएंगे सांझी छत होके हम लोग अर्धकुंवारी मंदिर, तो पुराने वाला रास्ता दिखाते हैं अब आगे। और बात करें पहुँचने की, तो हम यहाँ पहुँचे 6:25 के करीब, और 5-7 मिनट ही लगे दर्शन करने में, वहाँ से चले थे 5:22 पे शायद, तो 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच गए थे, और 1 घंटा यहाँ पे टोटल हो गया है आए हुए, जिसके अंदर दर्शन भी हो गए, और फिर थोड़ा चार्जिंग प्रॉब्लम हो गई थी, वो यहाँ पे जो भोजनालय है श्राइन बोर्ड का, वहाँ पे चाय वगैरह पी ली, और वो अपना चार्जिंग का भी काम हो गया इतने आधे घंटे में, और दर्शन भी कर लिया, और पीछे का व्यू भी देख लिया, वो भी सारा रिकॉर्ड हो गया। चलिए आगे ट्रैक पे मिलते हैं। जय माता दी।